नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिज कुमार और ब्रिजवाणी के 20वें संस्करण को लेकर आप सबों के सामने हाजिर हूं। कोशिश करता हूं हमेशा छोटी छोटी कहानियां सुनाकर कोई बहुत बड़ी बात आपको बता जाऊं। आज मैं कहानी नहीं, आपको एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र रिश्ते के बारे में बताने आया हूं। पति पत्नी का रिश्ता, एक बनाया गया रिश्ता। पहले कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था, अब सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ है। ना खूबसूरत है, ना अद्भुत। पहले अपरिचित, फिर धीरे धीरे होता परिचय, धीरे धीरे होने वाला स्पर्श, फिर नोकझोंक, झगड़े, बोलचाल बंद, कभी जिद, कभी अहम का भाव, फिर धीरे धीरे बनती जाती प्रेम पुष्पों की माला, फिर एक जीवता, तृप्तता। दोस्तों, वैवाहिक जीवन को परिपक्व होने में समय लगता है। धीरे धीरे जीवन में स्वाद और मिठास आती है। कई बार हमारे मित्र जब नई नई शादियां करके आते हैं, परेशान दिखते हैं, बड़े परेशान दिखते हैं, कहते हैं यार जिंदगी क्या हो गई, थोड़ा वक्त दो मेरे भाई, सब समझ में आएगा। वैसे ही जैसे आपको मालूम है कि अचार जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका स्वाद बढ़ता जाता है, और या फिर ये कह लीजिए कि वाइन जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। जब थोड़ा वक्त दिया जाता है इस रिश्ते को और जब पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी प्रकार जानने समझने लगते हैं, तब वृक्ष बढ़ता जाता है, बेलें फूटती जाती है, फूल आते हैं, फल आते हैं, रिश्ता और मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे बिना एक दूसरे के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उम्र बढ़ती जाती है, दोनों एक दूसरे पर अधिक आश्रित होते जाते हैं, एक दूसरे के बगैर खालीपन महसूस होने लगता है, फिर धीरे धीरे मन में एक भय का निर्माण होने लगता है, ये चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा, ये चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी। अपने मन में घुमड़ते इन सवालों के बीच जैसे खुद का स्वतंत्र अस्तित्व दोनों भूल जाते हैं। कैसा अनोखा रिश्ता, कौन कहां का, और एक दूसरे के लिए जान न्योछावर कर देने वाली भावना, एक अद्भुत रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। मेरे भाइयों और मेरी भाभियों, विवाह एक भरोसा है, समर्पण है, तारीफ उस स्त्री की जिसने खुद का घर छोड़ दिया, और धन्य है वो पुरुष जिसने अनजान स्त्री को घर सौंप दिया। आप सभी शादीशुदा कपल्स को मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट, मेरी छोटी सी ये शुभेच्छा। कई बार जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज हमें बहुत सारी चीजों को लेकर करनी पड़ती है। कई बार हम अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजों पे सहमत नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते। वो कहते हैं ना कि हमारे घरों में हमारी माँ, हमारी दादियां कहा करती थी कि जहां पे बहुत सारे बर्तन होंगे वहां पे थोड़ी बहुत तो आवाज होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बर्तनों को उठाकर आप घर से बाहर फेंक देंगे। इस रिश्ते की अपनी मिठास है, अपनी भावना है, जरूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़े संयम की। कुछ रिश्ते पाले जाते हैं, कुछ रिश्तों को सींचा जाता है, उन्हीं में से एक रिश्ता है ये पति पत्नी का रिश्ता। अधीर ना होए, धैर्य ना खोएं। जो भी मेरे भाई हैं थोड़े से धीरज खो बैठते हैं और कहते हैं भाई क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा वक्त दीजिए एक दूसरे को समझने के लिए, थोड़ा वक्त दीजिए। समझिए, पति पत्नी का ये अद्भुत रिश्ता शायद आपको किसी और देश में नहीं मिलेगा।